द स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। द स्मार्ट स्कूल हम सबका स्कूल है। द स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। लेट्स स्टार्ट मैथ्स प्रैक्टिस। ओपन योर वर्कबुक, स्मार्ट नंबर वर्कबुक, टर्म वन। ओपन योर पेज नंबर 59। सारे बच्चे अपना पेज नंबर 59 ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट हेयर एंड डे हेयर। डेट एंड डे हमारा आज का टॉपिक है। टेक अवे, टेक अवे। मैंने आपको इससे पहले एडिशन करवाया था जिसमें आप चीज़ों को, नंबर्स को, ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते थे, ठीक है, जमा करते थे। आज हम करेंगे टेक अवे। टेक अवे मतलब सब्ट्रैक्शन। आपको पता है हमारी डेली लाइफ में सब्ट्रैक्शन का कितना यूज़ करते हैं हम। बच्चों के लिए जो सबसे अच्छी एग्जाम्पल मैं आज आपको दूंगी वो है मनी की, पैसे जो आप लेते हो डेली अपनी मम्मा से और फिर उसको खर्च करते हो। अगर आपको सब्ट्रैक्शन आती होगी ना तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है आपके माइंड में बहुत अच्छे से होगा। तो आपको जो आपकी पॉकेट मनी है उसको काउंट करने में बहुत आसानी होगी। और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो आपके तब काम आएगी जब आप किसी से पैसे, फॉर एग्जाम्पल आप कैंटीन में गए हो, आपने 10 रुपीज़ दिए हैं, आपने 5 रुपीज़ की वहाँ से अपना लंच लिया या कोई भी खाने वाली चीज़ ली है 5 रुपीज़ की। अगर आपको जो सब्ट्रैक्शन है वो अच्छे से आती होगी तो आपको पता चल जाएगा कि 10 में से 5 की मैंने चीज़ ले ली है वहाँ से, तो अब मेरे पास कितने जो पैसे हैं वो मुझे वापस मिलेंगे। तो फौरन से आपके माइंड में आएगा कि 5 रुपीज़, ठीक है। अगर आपकी मम्मा ने आपको 50 रुपीज़ दिए हैं तो आपकी मम्मा ने कहा कि स्कूल में आपने 20 रुपीज़ जो हैं वो खर्च करने हैं और मुझे 30 रुपीज़ ला के वापस करने हैं, तो उसमें से भी आप जब 20 रुपीज़ खर्च कर लोगे 50 में से, तो आपको फ़ौरन से पता, अगर आपको सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में इतना अच्छे से होगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा 20 मैंने खर्च करने हैं और 30 जो हैं वो मैंने अपनी मम्मा को वापस ला के देने हैं, ठीक है। इसमें हम चीज़ों को कट करते हैं, माइनस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है टेक अवे। हमारे पास 2 आइसक्रीम्स हैं, ठीक है, और 2 आइसक्रीम्स के सामने लिखा हुआ है 2 टेक अवे 1। अब हमने 2 आइसक्रीम में से 1 को टेक अवे करना है, 1 को माइनस कर देना है, कट कर देना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हम 2 में से जब 1 को कट करेंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर बचेगा, ठीक है। हमारे पास कितनी आइसक्रीम्स हैं? 2। ये देखें, 2 आइसक्रीम्स, 2 टेक अवे 1। तो हमने कितनी आइसक्रीम जो है उसमें से कट करनी है? 1। 2 में से हम 1 को कट कर देंगे, ठीक है, ख़त्म कर देंगे। ये देखें आप क्या करोगे अपनी वर्कबुक पर जब आपने काम करना है। अभी आपको ये वाला जो टॉपिक है मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट्स के साथ आप पहले सीखोगे, फिर आप जो जब KG 2 में आओगे तो मैं आपको नंबर्स के साथ ये सिखाऊंगी कि नंबर्स के साथ नंबर्स को नंबर्स में से कैसे माइनस करना है, ठीक है। हमारे पास 2 आइसक्रीम्स हैं, इनको हम इनमें से 1 जो है उसको माइनस करेंगे, 1 को हम ऐसे कट कर देंगे। सारे बच्चे अपनी वर्कबुक पे ऐसे क्रॉस कर दें। क्रॉस का क्या मतलब होता है? नथिंग। जब हमने एक आइसक्रीम को क्रॉस कर दिया तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हमारे पास अब कितनी आइसक्रीम्स बचती हैं, ठीक है। एक आइसक्रीम हमने माइनस कर दी और हमारे पास बची 1 आइसक्रीम। 2 में से हमने जब 1 को टेक अवे किया तो हमारे पास नंबर आया 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 फिंगर्स हैं, आपने इसमें से 1 को माइनस करना है। अपनी 2 फिंगर्स ओपन करें, उसमें से 1 जो है इसको माइनस कर दें तो आपको पता चलेगा कि हमारे 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 बच गया। उसके बाद है ये हमारे पास आ गई अगेन आइसक्रीम आ गई, ठीक है। पहले आइसक्रीम कौन थी, अब जो है वो कप में हमें आइसक्रीम नज़र आ रही है आप सबको। यहाँ पे है 3 टेक अवे 1। काउंट करें कितनी आइसक्रीम्स हैं, 1 2 3 3। ये देखें 3 आइसक्रीम्स और उसमें से हमने 1 आइसक्रीम को माइनस करना है। 3 टेक अवे 1, 3 आइसक्रीम्स हैं तो हमने 1 को जो है वो कट कर देना है।
सेम जैसे आपने ऊपर आइसक्रीम को कट किया ऐसे क्रॉस कर दें इसको। जब हमने क्रॉस किया तो हमारे पास जो सही हालत में थी दो आइसक्रीम्स, वो कितनी आइसक्रीम्स बचती हैं, काउंट करें 1, 2। क्रॉस करने के बाद हमारे पास 2 आइसक्रीम्स रह गई, यहाँ पे हमारे पास आया 2 नंबर। 3 में से हमने 1 को माइनस किया तो हमारे पास 2 नंबर आ गए। अपनी फिंगर्स पे भी कर सकते हो, ठीक है, ये 3 फिंगर्स हैं, इसमें आपने इसमें से 1 फिंगर्स को माइनस कर दिया तो पीछे हमारे पास 2 फिंगर्स रह गए। लास्ट पे हमारे पास जूस है, जूस के जो बॉक्स हैं वो डिब्बे हैं, 4 take away 1, यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ये देखें 4, 4 हमारे पास जूस है, टेक अवे 1, इसमें से भी हमने 1 को माइनस करना है, 1 जूस जो है वो हमने उसको कट कर देना है। और फिर देखेंगे कि 4 में से जब हमने 1 को माइनस किया तो हमारे पास बाकी कितने बच्चे हैं। हम फर्स्ट वाले को कट करेंगे, क्रॉस कर दिया तो इसकी जो वैल्यू है क्रॉस करने से वो ख़त्म हो गई। अब पीछे देखते हैं कितने बच गए, काउंट करें 1, 2, 3, 4 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास नंबर आ गया 3, ठीक है। 4 फिंगर्स, इसमें से 1 फिंगर्स को, 1 फिंगर को हमने माइनस किया, ये देखें, और पीछे 3 फिंगर्स, ठीक है। फिंगर्स के ऊपर जब आप करते हो ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप फ़ौरन से आंसर आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। अब आपने वर्कबुक के ऊपर सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चंस हैं ये वाले अभी ऑब्जेक्ट्स के साथ हैं, क्योंकि आपने अभी नंबर्स के साथ नहीं सीखे, KG2 में आप नंबर्स के साथ सीखोगे। तो अभी आपने अपने घर की चीज़ों को अपने सामने रखें, अपने कलर्स को सामने रखें, अगर 5 कलर्स को सामने रखा है उसमें से 2 को निकालें और पीछे देखें कि हमारे पास 5 में से 2 माइनस किए तो कितने कलर्स बच गए। आपके शूज़ हैं, आपकी पॉकेट मनी है, आपकी कफ ट्रॉयज़ हैं, तो आप इसको उसको अपने पास रखें और उनमें से माइनस करके इस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी जो सब टेक अवे की या सब्ट्रैक्शन की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब मैं आपको नोटबुक के ऊपर समझाती हूँ कि नंबर के साथ, अगर आप नंबर के साथ करोगे तो वो कैसे करना है। आपने यहाँ पे मेरे पास 2 फ्लावर्स हैं, हम 2 और मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया 2, कितने फ्लावर्स हैं मेरे पास 2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, इसमें से हम करेंगे 1 को माइनस, ठीक है, 1 को हम माइनस कर देंगे तो फिर देखेंगे कि आंसर कैसे आता है। अब हम 2 फ्लावर्स में से 1 को कट किया तो हमारे पास 1 फ्लावर रह गया, ठीक है। अगर आपके पास फ्लावर्स ना हो, ऑब्जेक्ट्स ना हो, सिर्फ नंबर हो, तो आपने फिर क्या करना है, फिर आपने आपके पास फर्स्ट पे बिग नंबर होगा, ठीक है, और जो सेकंड पे होगा वो स्मॉल होगा, तो आपने बिग नंबर के साथ लाइंस ड्रॉ करनी है। अगर ये 2 है तो हम 2 के साथ 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। प्लस के क्वेश्चंस में हम दोनों साइड्स पे लाइंस ड्रॉ करते थे, लेकिन माइनस में हम सिर्फ बिग नंबर के साथ जो फर्स्ट पे नंबर आएगा उसके साथ लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब उसमें से हम देखेंगे कि सेकंड नंबर हमारे पास कौन सा है, 1, तो हम 2 में से 2 लाइंस में से ये जो 1 है उसको देख के 1 लाइन को क्रॉस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। जैसे हमने फ्लावर को क्रॉस किया इसी तरह हमने लाइन को क्रॉस कर दिया तो हमारे पास 1 लाइन जो है वो पीछे रह गई, तो हमारे पास आंसर आया 1। ये तरीका है आपका नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करने का। अब हम मैं आपको 5 माइनस 2, इसके लिए भी आप देखोगे कि इन दोनों में से बिग नंबर कौन सा है। सबको पता है कि 5 जो है वो बिग है और 2 स्मॉल है, तो हम बिग नंबर के साथ, 5 बिग नंबर है तो हम 5 के साथ 5 लाइंस ड्रॉ कर देंगे, और लाइंस जो है वो थोड़ी सी स्पेस के साथ आपने ड्रॉ करनी है ताकि जब आप कट करो तो आपको पता चले कि पीछे कितनी लाइंस हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं जब काउंट करते हैं तो वो कम या ज़्यादा काउंट कर लेते हैं लाइंस को। अब हमारे पास स्मॉल नंबर 2 है तो हमने 2 लाइंस को यहाँ से क्रॉस कर देना है, 2 लाइंस हमने 2 लाइंस क्रॉस कर दी। अब चेक करें ज़रा कि 2 क्रॉस की तो पीछे कितनी लाइंस हैं, 1, 2, 3, तो हमारे पास आंसर आया 3। जब आप लाइंस के साथ अपनी फिंगर्स के साथ इसको माइनस करोगे तो आपका जो आंसर है बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। अब आपने सब्ट्रैक्शन की जो प्रैक्टिस है वो बार बार अपनी नोटबुक पे अपने अपनी चीज़ों से
उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी जो ये कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाए और जब भी आपसे कोई पूछे तो आप फौरन फिंगर टिप्स पे उसका आंसर दे सको। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।